4 अगस्त का दिन हर कांग्रेसियों के लिए बड़ा शुभ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जो राहत दी है वो सच्चाई की जीत है। ये बात वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं हरियाणा के पूर्व मंत्री सुभाष गोयल ने शनिवार को अपने प्रतिष्ठान पर पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने सबसे पहले देश की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जो राहत दी है वो सच्चाई की जीत है। देश की जनता इस राहत से खुश है और मैं उनको बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जो बोलने पर पाबंदी लगा रखी है ये उसका जवाब है। झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच के सामने बौना ही नजर आता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार हर किसी व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती, इस पर आपत्ति जताते हुए पूर्व मंत्री सुभाष गोयल ने कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रदेश के हर उस व्यक्ति की सुरक्षा करे जो इस प्रदेश का बाशिंदा है। उन्होंने कहा कि वोट देकर आपकी सरकार को सत्ता में लाने का काम किया है, नैतिकता के नाते उनको इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने बताया कि विपक्ष आपके समक्ष अभियान के तहत 20 अगस्त को हिसार में होने वाले कार्यक्रम को लेकर जो रैली होगी वो अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। इस रैली में हांसी से हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जाएंगे। कंपनियों को मेरी हृदय से नमस्कार। हमारा कल का 4 अगस्त का दिन सभी कांग्रेस जनों के लिए बहुत ही लाभकारी और अपने नेतृत्व के जहां सुप्रीम कोर्ट ने उनको बिल्कुल बेदाग घोषित कर दिया और इसके साथ कुलवीर बामल जी जो पूर्व में इनेलो के प्रत्याशी रहे हैं हांसी विधानसभा क्षेत्र से, उनके साथ भी 14-15 और साथी जाकर दिल्ली में माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी के समक्ष पार्टी को ज्वाइनिंग करके आए हैं। इसके लिए मैं जहां इनका धन्यवाद करता हूं, सभी देशवासियों को राहुल जी की फैसले के आने पर मैं बधाई देता हूं, हृदय से धन्यवाद करता हूं कि देश के अंदर जिस प्रकार से बोलने के ऊपर अंकुश लगाया हुआ था भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी का जब से बरसरे इख्तियार आई है उन्होंने बोलने की आज़ादी तो जहां बंद की हुई है, लेकिन ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री जो मुंह का कांड होने के बाद जीवन के लिए किसी की रक्षा करने के लिए कहते थे हम एक एक आदमी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, लानत वाली बात है, इस प्रकार से बयान देकर वो पद पर बने हुए हैं। मैं तो ये मानूंगा कि सारी की सारी बीजेपी पार्टी इस बात के लिए जिम्मेवार है। आज प्रदेश का मुखिया इस प्रकार से बोलता है तो और उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, तो ये बात बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। यहाँ नूह के कांड में जिस प्रकार से लोगों को आपने हंसी में देखा होगा, दो दल आवाज़ मारते हुए जा रहे हैं कि मारो सालों गुंडों को, क्या मतलब होता है इस बात का, उनके ऊपर भी केस बना है। जहाँ सरकार की निंदनीय स्थिति है वहीं पर पार्टी की भी, बीजेपी पार्टी की भी इस बारे में संदेह से परे की बात है। ये सारा का सारा संज्ञान लेना चाहिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए जनता का सुरक्षा करना सरकारों का दायित्व बनता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ खड़े कर दिए, अब तो परमात्मा ही रक्षक है। उन्होंने कहा कि 12 अगस्त को सांसद दीपेंद्र हुड्डा हांसी आ रहे हैं जो इस रैली के बारे में कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाएंगे। उन्होंने बताया कि 4 अगस्त को ही इनेलो नेता कुलबीर बामल ने अपने साथियों सहित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामा है। सत्य खबर के लिए हांसी से केशव धमीजा की रिपोर्ट।
सत्य सटीक बेबाक।